क्या आप जानते हैं रमेश सिप्पी ने दिलीप कुमार का फिल्मी संन्यास भंग किया और उन्हें फिल्मों में वापस लेकर आए। हेलो हाय, क्या आप जानते हैं शो में बात करेंगे कि रमेश सिप्पी कैसे दिलीप कुमार साहब को संन्यास के बाद फिल्मों में लेकर आए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्या आप जानते हैं शो। सीता और गीता और शोले की भरपूर कामयाबी के बाद रमेश सिप्पी की फिल्म शान बुरी तरह से पीट गई। इसलिए रमेश सिप्पी अब एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो न सिर्फ कमर्शियली हो बल्कि क्रिटिकली भी उसे प्रशंसा मिले। काफी रिसर्च के बाद सलीम जावेद ने उन्हें शक्ति की स्क्रिप्ट सुनाई जो एक तमिल फिल्म थंगा पथकम की रीमेक थी। इस फिल्म में तमिल के सुपरस्टार शिवाजी गणेश का एक बहुत ही प्रभावशाली किरदार था जिसके लिए सलीम जावेद ने दिलीप कुमार का नाम सुझाव किया। फिल्म की कहानी एक बाप बेटे की इमोशनल कहानी थी, इसीलिए सलीम जावेद ने बेटे के रोल के लिए अमिताभ बच्चन का नाम सजेस्ट किया। रमेश सिप्पी को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने तमिल सिनेमा की फिल्म के राइट्स खरीद लिए। सलीम जावेद ने नए तरीके से फिल्म की कहानी लिखी और बाप और बेटे दोनों के रोल को स्ट्रॉन्ग कर दिया। जब रमेश सिप्पी ने अमिताभ बच्चन को कहानी सुनाई तो उन्हें फिल्म की कहानी अच्छी लगी, लेकिन उनकी जिज्ञासा थी कि बाप का रोल कौन कर रहे हैं। तब रमेश सिप्पी ने उन्हें बताया कि वो दिलीप कुमार को साइन करने के लिए सोच रहे हैं और वो उछल पड़े क्योंकि उनकी तमन्ना थी कि वो एक बार दिलीप कुमार साहब के साथ काम करें। लेकिन दिलीप कुमार साहब ने फिल्म से संन्यास ले लिया था, इसलिए दिलीप कुमार को राजी करना एक बड़ा मुश्किल सवाल था। लेकिन सलीम जावेद की दिलीप साहब से अच्छी पहचान थी, इसीलिए उन्हें कॉन्फिडेंस था कि वो दिलीप साहब को फिल्म के लिए जरूर हाँ करवा लेंगे। और ऐसा ही हुआ। जब दिलीप साहब ने स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें कहानी अच्छी लगी और जब उन्हें पता चला कि बेटे के रोल में अमिताभ बच्चन हैं तो वो और भी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने तुरंत पिक्चर करने के लिए हाँ कर दी। जब फिल्म रिलीज हुई तो क्रिटिक्स ने फिल्म की बड़ी तारीफ की और दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला और अमिताभ बच्चन को भी खूब वाहवाही मिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियन फिल्म हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। अब मनोरंजन के लिए मिनटों तक का इंतजार नहीं, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट के लिए फिल्मी शॉर्ट्स है सही। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।